अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई हम रात से बिल्कुल नहीं सोए, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि जी हम गाय लेके आए हैं और उसके खुशी में भाई हमें फिर पैरा भी देना पड़ता बाहर बैठ के, तो हम सोए नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं, मुझे करेंसी एक्सचेंज करवानी थी, ये रहा हमजा की गाड़ी और हमजा का जा रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज करवाने। आज भी बड़े काम है क्योंकि परसों ईद है तो फिर छुट्टियाँ हो जानी हैं और उसके बाद फिर हम करेंसी वगैरह जो भी है नहीं चेंज करवा सकेंगे। तो फिर वही ईद के बाद 3 दिन छुट्टियों के बाद ही फिर सारा कुछ ओपन होगा। पाकिस्तान में भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस क्या बताएं, बट फिर आना भी तो था, तो इसी के साथ जी आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो भाई अभी हम आ गए ड्राइविंग सीट के ऊपर, हमजा जो है वो पराडो लेके जाएगा, पराडो का काम हो रहा है, थोड़ा मसला बना हुआ था भाई, ब्रेकिश लेके है ना इसकी सारी। हाँ भाई सब कुछ ठीक है और चलते हैं हम लोग पाकिस्तान में। और फर्स्ट डे है ड्राइव का, पता पाकिस्तान में वहाँ पे लेफ्ट हैंड या पे राइट हैंड थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, बट कोई नहीं चला लेंगे, हम पाकिस्तान ड्राइवर हैं। असल में पराडो का हो गया था एक्सीडेंट कुछ दिन पहले और ये अभी उसकी वो स्क्रीन पड़ी हुई है पीछे, कुछ पार्ट्स उसके कल हमजा लेके आया है रावलपिंडी से। आपको रावलपिंडी में सबसे बड़ी मार्केट है लैंड क्रूजर इसकी, प्राडो और कितने भी हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ। अब सामने वर्कशॉप से यहाँ से गाड़ी लेके हमने एक दूसरी वर्कशॉप लेके जानी है जहाँ पे सामान की फिटिंग होनी है और कुछ इंजन का भी थोड़ा मसला बना हुआ, इंजन का काम होना है। भाई पाकिस्तान में चीज़ों की जो प्राइसिस हैं वो स्टेट अवे 300 गुना ज़्यादा हो गई हैं भाई, जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 400 की होगी सीधी सीधी। पता नहीं पाकिस्तान में क्या बनना है, हम तो जो बाहर के रहने वाले लोग हैं भाई वो भी परेशान हैं कि हम तो ये चाहते हैं, खुश होते हैं सम टाइम के जो लोग हमारी करेंसी की वैल्यू जहाँ हम रह रहे हैं, जैसे हम यूरोप में होते हैं तो एक यूरो यहाँ पे 308-10 के अराउंड है, लेकिन महंगाई भी उसी हिसाब से होगी है। ये भाई पराडो और ये आगे से ठुकी है और ये सारा अब इसका चेंज होगा आगे से, ये इसकी मशीनरी है, ये आगे से पूरा डैमेज हो गया था, कुछ रिपेयर हो गया, इंजन भी थोड़ा किसी हद तक रिपेयर हो गया। अब इसका जो बोनट शोनट है और कुछ बेसिक बम्पर शम्पर है वो फिटिंग होगी, लाइट की फिटिंग होगी। आज धूप बहुत ज़्यादा गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है भाई पाकिस्तान है ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। भाई आइडियल आज ब्रेकफास्ट है, साथ में गर्मा गर्म पराठे हैं, अंडा है और साथ में हमारा ये देसी घर का अचार है। ऐसे भाई खाने खाने का तो हम वेट गेन करके पुर्तगाल वापस आएंगे। अच्छा भाई सीन ऐसा है कि रात के बज गए हैं 9 और हमारे जो बैल मियाँ साहब आपको नज़र तो आ नहीं रहे होंगे, हम उसका खाना बना रहे हैं। लाइट गई हुई है पाकिस्तान में, ये भाई प्रॉब्लम है भाई कि लाइट का जो है ना वो बड़ा सीन है, वो गर्मी पीक पे है, घर हमारा भी रेडी नहीं हुआ। एक हाथ से ब्लॉगिंग करनी है और एक हाथ से अपने बैल को डालना खाना, एक उसको मैंने डाल दिया पहले, अब ये दूसरा कोड है उसका बेचारे का। हमने सोचा हम भी अपने हाथ से खिदमत कर लें, अपने बैल की कुर्बानी के जानवर की अपनी हाथ से खिदमत करने का मज़ा ही कुछ और है ना। तो इसको अब हम इस मिक्स करेंगे, इसको लाइट का बड़ा इशू है भाई, यहाँ पर गर्मी पीक पे है, मैं तो भाई एसी से निकल नहीं रहा, तकरीबन 3-3 दिन है मेरा आज पाकिस्तान में, लेकिन हम घर पे ही हैं, बाहर जाने की मैंने जहमत ही नहीं की। करेंसी एक्सचेंज करने गया था और बस कोई इतना ख़ास काम नहीं किया हमने, तो ये हमारे बैल में है लेबल का पेट भर के खा दो। और हमारा सीन ये है कि हमें भी भूख शूख लगी हुई है, उसको मैं साइड पर रख दूँ, अब लाइट आएगी तो खाना खाएंगे भाई, गर्मी ने जानवर बना दिया यहाँ पे आज। अभी भाई सीन ऐसा है कि मैं आया हूँ अपने घर पे और चाय हम पी रहे हैं, साथ में घर की रेनोवेशन करवाई है सारी, घर तकरीबन सारा हमने नया बनवाया है, अभी काम चल रहा है, 2 दिन रह गए ईद में, ये अभी काम चल रहा है। यहाँ पे किचन है और ये रहा मेरा रूम रहा, ठीक है ये ऊपर देखें, अभी बड़ा काम पड़ा हुआ है, काम 2 दिन रह गए हैं ईद को। ट्राई बड़ी मारी, हिम्मत बहुत मारी है, पूरा नीचे फ्लोर पे भी टाइल्स वगैरह सब कुछ चेंज किया गया है, वॉशरूम वगैरह भी हर चीज़ तो तकरीबन पूरा घर का नक्शा जो है हमने वो चेंज किया है। अभी भाई ये लगा गए हैं
वो मैंने पहले कहा था पेंट लास्ट पे होगा, वो पेंट का बेड़ा गर्क हो गया। अब ये कल दोबारा मिस्त्री वो आएंगे, पेंट वाले आएंगे, दोबारा इस दीवार को साफ करके पेंट करेंगे। तो मैंने पहले कहा था कि पहले सारे काम हो जाएंगे तो फिर पेंट वालों का काम शुरू होगा, लेकिन भाई क्या करें, हमारी कोई सुने तो फिर है ना, तो क्या क्या कहा जा सकता है। बाहर भी डन है, दरवाजे भी नहीं लग गए हैं हमारे, सारा यानी टोटल बिल्कुल ए टू जेड जो है वो अभी नया काम हुआ है। पैसे बड़े लग गए हैं, कमाड़ा निकल गया मेरा, फिर क्या करें भाई, जब काम करने हैं तो काम करने हैं। आप क्या कर रहे हो, हैं क्या कर रहे हो, सफाई कर रहे हो? आपको झाड़ू दूं, झाड़ू मारूं, हैं दो झाड़ू आपको? अभी ये कबर्ड जो थे वो इस वाले रूम में थे, जो मेरा पुराना रूम था, अब उसको उतार के मैंने उन्हें कहा भाई इसी को ही यूज़ करो जो लकड़ी है, लेकिन फिर जो यूज़ हुई आपको पता है जब एक चीज़ उतरती है दोबारा उसको फिर यूज़ करना रीयूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर दोबारा हमने लकड़ी वो पड़ी हुई है, कुछ वो पड़ी हुई है, ये दोबारा से बिल्कुल ये बनेगी, फिर ये अलमारी बनेगी। भाई रात के बज गए हैं 12 और ये गुजरांवाला का पहलवानी फलूदा ना खाया तो भाई कुछ नहीं खाया। तो जी अभी हम अपना फलूदा इंजॉय करें, अब आज का व्लॉग भी ख़त्म करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और फलूदा खाने के बाद हम सोचेंगे, और कल बड़े काम है, शॉपिंग भी करनी है, घर की सेटिंग भी करनी है, और बस सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जी, अल्लाह हाफिज़।